जिंदगी में सब कुछ करो लेकिन कभी किसी को बद्दुआ मत दो, श्राप मत दो, क्योंकि हो सकता है कि आप जिसकी शुभकामना नहीं चाहते हैं, जिसे बद्दुआएं दे रही है, हो सकता है कि वही बद्दुआएं लौटकर आपके ऊपर ही आकर गिर पड़े, आपके परिवार के ऊपर आकर गिर पड़े। अमिताभ बच्चन और उनका पूरा परिवार कोरोना का शिकार हो गया था साल 2020 में। पूरे देश से दुआएं मांगी गई, दुनिया से दुआएं मांगी गई कि इन्हें कोरोना से जल्दी ठीक कर दिया जाए, और प्रार्थना कामयाब भी रही। अमिताभ बच्चन ठीक ठाक होकर घर पर चले आए, लेकिन उसके कुछ दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत का मामला आता है, और सुशांत वाले मामले में बच्चन परिवार की जो चुप्पी नजर आई थी, ये इनके ऊपर ही बहुत बड़ी भारी पड़ गई। और सबसे ज्यादा बुरा काम किया था जया बच्चन ने। जया बच्चन ने इसी मामले को लेकर कहा था कि थाली में छेद, जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जब रवि किशन ने यह मुद्दा उठाया था ड्रग्स वाला, तो जिसके बाद बच्चन परिवार की और भी किरकिरी हो गई, और आज उसी बात के लिए इनकी ट्रोलिंग भी की जाती है। अब साल 2022 में अमिताभ बच्चन के परिवार के ऊपर, यानी इनके परिवार, इनके स्टाफ के ऊपर फिर से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में क्या लिखा है वो सुनिए। कुछ घरेलू कोविड परिस्थितियों से जूझ रहा हूं, आपके साथ बाद में जुड़ूंगा। वे लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, वो भी सबकी दुआओं की मदद से। अमिताभ ने लिखा, लड़ते हैं लड़ते रहेंगे सभी की प्रार्थनाओं की मदद से। आगे कुछ नहीं, आगे और कोई विवरण नहीं, बस इतना ही है कि शो चलता रहे। तो देखिए, अमिताभ बच्चन के घर में कुल 31 स्टाफ मेंबर्स हैं, और इन सभी की कोरोना की जांच की गई थी। अब इसमें से ये बात सामने आ रही कि एक मेंबर जो है वो कोरोना का शिकार हो गया है। हालांकि खबर ये भी है कि अमिताभ बच्चन के परिवार को भी कोरोना हुआ है, लेकिन इस तरह की बातें मीडिया में नहीं बताई जा रही है। और अमिताभ की बातों से ये साफ साफ पता चल रहा है, जो उन्होंने ब्लॉग में लिखा है, कि वो आगे के विवरण के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। तो क्या अमिताभ बच्चन के परिवार को फिर से कोरोना ने जकड़ लिया है? क्या इन बातों को छुपाया जा रहा है? होम क्वारंटीन रहते हुए इन सब चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इसमें जरूर ऐसी कोई बात है कि परिवार फिर से कोरोना का शिकार हुआ है, और उसे घर में ही रहकर ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और नहीं हुआ है तो हो सकता है कि अमिताभ के पूरे परिवार को कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि जब इनका स्टाफ कोरोना का शिकार हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि वो जो स्टाफ हो वो उनके घर में खाना बनाने वाला रसोइया हो। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी का बुरा मत सोचो। कुछ दिन पहले जया बच्चन बीजेपी वालों को राज्यसभा में चीख चिल्लाकर गला फाड़ते हुए ये श्राप दे रही थी कि बीजेपी वालों के साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये लोग सरकार में वापस ना आए। अखिलेश यादव जो इनकी पार्टी के कर्ता धरता है समाजवादी पार्टी के, ये भी मोदी जी को गालियां देते हुए नजर आ रहे थे, श्राप देते हुए नजर आ रहे थे कि मोदी जी बनारस गए हैं, बनारस में अंतिम दिन गुजार ले, यानी मौत की बद्दुआएं दे रहे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद ही अखिलेश का परिवार जो है वो कोरोना का शिकार हो जाता है, और अब ऐसी खबर आ रही है कि अमिताभ बच्चन के घर पर कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसलिए कहा जाता है कि किसी के लिए भी बद्दुआएं मत मानो। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो ना बुरा करो,